हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आदेश और आप देख रहे हैं फूडी आदेश। मैं आज आया हूँ पुणे सिटी में, पुणे के सबसे अच्छे फूड प्लेसेस में कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। जितने भी मेरे मतलब पुणे के फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे और गूगल के रिकमेंडेशन से मुझे पता चला ये सब प्लेसेस। तो आइए हम शुरू करते हैं। और हमारे साथ जुड़ने वाली है प्रियंका नाइक ब्लॉग्स, जिनका यूट्यूब पे ब्लॉग्स चैनल है, जो शॉपिंग रिलेटेड वीडियोज़ बनाती है यूट्यूब पे, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टेंट डालती है। तो हाय प्रियंका जी। हाय हाय हाय। तो आइए हम शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। यस, ठीक है। और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली अभी आपने जो देखा है, तो स्टार्टिंग मतलब मिसल से ही करना है या फिर मिसल में और कुछ वैरायटीज है? पुणे में आए तो मिसल तो ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि पुणे में एक्चुअली मिसल के लिए फेमस है पुणे। यस यस। तो हम ट्राई करेंगे, फर्स्ट तो मिसल पाव यहाँ का ट्राई करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। हम अब आए हैं पुणे मिसल हाउस में, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं इस जगह का गूगल लोकेशन भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको यहाँ की मिसल कैसी लगी। तो आइए हम ट्राई करते हैं, आइए। हमारा घर का रास्ता है, मिसल का रास्ता है मीडियम, और घर का घी है और देसी गाय का, और एक दही है जो घर में बना है, हमारे शेफ ने पीएचडी किया है, उसका पान है। अच्छा। और घर का लड्डू है, बाकी सब फरसान मटकी ऑन है, चास सैंपल। ओके, मतलब 10 चीजें प्रॉपर आपने थाली में सेट की है। फिर मुझे पहले बताइए, इस थाली का नाम बाजीराव थाली क्यों रखा है, मतलब बाजीराव थाली ही क्यों? होटल में ऐसे वेज थाली निकलती है। ओके। हम लोगों ने मिसल की थाली निकल दिया ऐसा पूरा, कि इसका नाम रख दिया कि बाजीराव स्पेशल। ओके। हमारा सब फरसान मसाले घर का है, सब खुद बनाते हैं। गांव में फरसान की फैक्ट्री है। ओके। और मसाले की फैक्ट्री है। अच्छा अच्छा, ट्राई कर लेते हैं अभी, कैसी है थाली, और आपको रिव्यू देते जेन्युइन कि क्या इसकी स्पेशलिटी, क्यों इतनी फेमस है ये थाली। ओह वाओ। अभी आप बताइए इसका फ्लेवर कैसा है? पहले बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग, झनझनीत प्लस स्पाइसी टैंगी मिक्स है। पोहे का जो क्रंच है वो भी उसमें आ रहा है आपको, मतलब समझ सकते हो। मैं खा लो आप अभी लेंगे थोड़ा सा। लाजवाब, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। इसे बना मैं ट्राई कर लेती हूँ ये। गुड़, उसके बाद जो तिल जो मिक्स होता है, मतलब मराठी में जो कहते हैं ना तिळाचा लाडू, तिळाचा लाडू, बहुत ही अच्छा वैसा लग रहा है मुझे। प्रॉपर महाराष्ट्रीयन स्टाइल। यस, प्रॉपर महाराष्ट्रीयन स्टाइल लग रहा है। तो इतनी अच्छी थाली ओनली रुपीज 140। आपका ये पुणे मिसल हाउस का टाइमिंग और सुबह 7 बजे शाम को रात को 9 बजे तक रहते हैं, और ऑल डेज ओपन रहता है। संडे बंद है ना? कंटिन्यू चालू। संडे को रश रहेगा इधर? संडे में बहुत भीड़ रहती है, सुबह 7 बजे चालू हो जाएगा ना, तो शाम को 4-5-6 बजे तक भी वेटिंग ही रहता है। ओके ओके ओके, थैंक यू भैया इतनी अच्छी हमें थाली सर्व करने के लिए। अभी हम इसका आनंद लेते हैं, खाते, बहुत भूख लगी है, अभी ये थाली पूरी फिनिश करनी है। तो अभी बजे दोपहर के 2 और अभी लंच करने का टाइम हो चुका है। तो मैं बेसिकली एक बिरयानी लवर हूँ, और मैं अभी मुंबई में मैंने बिरयानी बहुत ट्राई की, लेकिन मैंने पुणे की कभी बिरयानी ट्राई नहीं की। मुझे ऑप्शन मिला पीके बिरयानी हाउस, तो अभी मैं पीके बिरयानी हाउस के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। अब अंदर जाता हूँ और अंदर पूछता हूँ कि सबसे बेस्ट सेलिंग
नॉनवेज में बिरयानी कौन सी है? मैं अभी पीके बिरयानी हाउस के अंदर आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं सामने नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एम्बियंट ऐसा है। अभी हम अंदर जाते हैं ऊपर फैमिलीज के यहाँ पे, अब दिखाता हूँ वहाँ पे ऊपर का भी एम्बियंट देख लीजिए आप, से नीचे जो है और आप देख सकते हैं एम्बियंट ऐसा है, एकदम डिसेंट और फैमिली के लिए सबसे बेस्ट है और बिरयानी के लिए भी लाजवाब है। बेसिकली मैंने ऑर्डर किया था चिकन दम बिरयानी जो कि यहाँ की बहुत फेमस है, मटन दम बिरयानी भी बहुत फेमस है, देख सकते हो उनके ये पीसेस है वगैरह, बहुत लाजवाब, मसाले भी बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। और उसके साथ हमें दिया हुआ है सलाद, उसके साथ हमने दिया है कोल्हापुर का स्पेशल पांडरा रस्सा और तांबड़ा रस्सा, आप देख सकते हैं। तो हम उसके ऊपर अभी लेमन स्क्वीज करेंगे और यहाँ पे अनियन भी थोड़े बहुत दिए, मतलब अनियन बहुत अच्छे से रोस्ट किए हुए हैं। और ये जो क्वांटिटी है ये 230 वाली है, यहाँ पे रेट्स आई थिंक दम वाले 230 के। मैं पहले प्रियंका जी ट्राई करेंगे, फर्स्ट ट्राई टेक चिकन का पीस ये लिया मैंने। कैसी है टेस्ट? अमेजिंग, बहुत टेस्टी है, मतलब जो मसाले हैं ना पूरे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, आप एक बार ट्राई कर लो। जो भारतीय संस्कृति में जो खाते हाथ से तो मैं हाथ से चिकन का बिरयानी का ट्राई करता हूँ अभी। अभी उसके ऊपर ये अनियन और ये चिकन का पीस और उसके ऊपर ये बिरयानी के बाद पांडरा रसा और तांबड़ा रसा ये भी मिलता है, मतलब अगर किसी को थोड़ा सूखा सूखा लग रहा होगा ना तो वो भी मिल सकता है यहाँ पे। जनरली उन्हें फ्लेवर्स है ना ऐसे मिक्स हो रहे उसमें, राइट, जो मसाले जो है जो ड्राई मसाले रहते हैं ना उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से दिया उन्होंने। I love it. फैमिली के लिए ये रेस्टोरेंट सबसे बेस्ट है मेरे को लगता है, क्योंकि देख सकते हो पूरे साइड से देख रहे हो सब फैमिली वाले ही यहाँ पे आए हुए हैं, ऐसे ना कि एम्बियंट बहुत अच्छा है और डिसेंट है और प्राइस रेंज भी बहुत रिजनेबल है तो कोई इशू नहीं होगा। आप ट्राई करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि कैसी है बिरयानी आपको लगती है। तो अभी मेरा बिरयानी खाते हो चुका है, अभी मैंने पीके बिरयानी हाउस की चिकन दम बिरयानी ट्राई की थी, मैंने बताया अभी, बहुत ही लाजवाब थी बिरयानी, बहुत ही अच्छी थी। पीके बिरयानी हाउस की मैनेजर है तो इनसे जानते हैं हम लोग, ये सबसे पीके बिरयानी हाउस है। आता है आपके ऑर्डर ओपनिंग होऊन मॅक्झिमम 5-5.5 वर्ष झाले। ओके, बिर्याणी बिर्याणीसाठी आपले फेमस आहे, बिर्याणीमध्ये आपले चिकन मटकावर मटन मटकावर आपले खूप चालतात लोकांना, नाही का खूप आवडतं मटन मटकावर, आणि त्याच्यावर तंदुरी आहे आणि सर्वसामान्य परवडण्यासारखे चिकन थाली आहे, मटन थाली आहे, प्रॉन्स थाली आहे, सीफूड थाली, हे पण आपल्याला भरपूर जातात। ओके, और ये ऑल डेज ओपन राहतात? ऑल डे सकाळी मॉर्निंग 10:30 ते कंटिन्यू 11:30 पण चालू असतात आपल्याकडे। ओके, मतलब संडे मंडे कंटिन्यू आणि फ्रायडे सॅटरडे संडेला खूप रश असते। तो अभी मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट प्लेस में और ये वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि अभी 2 या शायद 3 प्लेसेस रह गए हैं दिखाने के लिए। पूरा वीडियो देखना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी मैं आया हूँ एफसी रोड पे और एफसी रोड पे एक चाचा जी बैठे हैं, वो आइसक्रीम बहुत अच्छी बनाते हैं। अभी आ जाओ, ये सामने आपको दिख रहा होगा गार्गी रिचमंड आइसक्रीम, तो वहाँ पे हम जाने वाले हैं, वहाँ की सबसे बेस्ट आइसक्रीम अभी हम ट्राई करने वाले हैं। तो आइए दिखाते आपको कैसी है वो आइसक्रीम। चाचा जी बताइए मुझे, आपका ये शॉप कब से है? 30 सालों से आप यहाँ पे आइसक्रीम बेच रहे हो? बस आइसक्रीम, सॉफ्टी, मिल्क शेक, कोल्ड कॉफी, जामुन, सीताफल, स्ट्रॉबेरी क्रीम, चिक्कू, मैंगो, ये सब बना रहे हैं। ओके ओके, तो आप तो आपकी बेस्ट सेलिंग कौन सी है आपकी? मेरे यहाँ की बेस्ट मैंगो, स्ट्रॉबेरी, जामुन, सीताफल, चिक्कू और मैंगो। गूगल से देखा था, मतलब रिव्यू में देखा था, आपकी स्ट्रॉबेरी वाली आइसक्रीम जो है वो बहुत फेमस है, फेमस है मेरा। तो मुझे वो स्ट्रॉबेरी वाली अभी चाहिए। मिलेगा, नो प्रॉब्लम। चाचा जी के यहाँ पे आइसक्रीम का सब मेन्यू कार्ड दिया हुआ है। ये आइसक्रीम भी है चाचा जी ने बहुत अच्छी नेचुरल तरीके से बनाई हुआ है। आइए प्रियंका जी, मैं ट्राई ट्राई करते हैं, पहले लेडीज फर्स्ट। या बाइट,
वाओ स्ट्रॉबेरी की आइसक्रीम इज बेस्ट बहुत यमी लग रही है समर में मैंगो आप ट्राई कर लो लीची चीकू अभी आप ट्राई कर लो ट्राई 12 महीने आता है ना कोई ना कोई फ्रूट का बनता ही है सो ये है बाइट जो मैंने क्रश किया उसका खाने का मजा बहुत अलग है जो मिक्सचर है आई स्ट्रॉबेरीज का और जो क्रीम है और जो स्ट्रॉबेरीज डाला है उन्होंने पूरा स्वीट है जो मतलब डेजर्ट लवर है या फिर आइसक्रीम लवर है मस्ट बी ट्राई जो स्ट्रॉबेरी का जो फ्लेवर है ना पूरा मिक्स हो गया उसके साथ जन बहुत अच्छा लगा अभी भी मेरे मुंह में स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर है यस 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 अच्छा लगा तो और एक ग्लास मंगाएंगे पुणे में आ रहे हो तो ये जो है ऊपर लिखा हुआ रिचमंड आइसक्रीम जरूर ट्राई करना और स्पेशली स्ट्रॉबेरी वाली आइसक्रीम जरूर ट्राई करना अभी हम आए हैं यन्ना डोसा जो की साउथ फूड के लिए बहुत ही फेमस है पुणे सिटी में तो सुबह से हमने मिसल पाव ट्राई किया आइसक्रीम खाई पर्शियन स्टाइल और हैदराबादी स्टाइल बिरयानी खाई तो अब हमने क्यों ना सोचा कि पुणे में आए तो साउथ इंडियन फूड ट्राई करें तो अभी यन्ना डोसा के अंदर जाके हम लोग ट्राई करते हैं बेस्ट साउथ इंडियन फूड कौन सा है उनका जो कुछ भी है वो आपको दिखाता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और स्किप मत करना चलो आ जाते तो फिर अभी मेरे साथ है यन्ना डोसा के मैनेजर सर हाय आप मुझे बताइए आपका यन्ना डोसा की ये जो शॉप है वो कब से है छः साल चल रहा है होटल का नाम है यन्ना डोसा करके फेमस है डोसा में ज़्यादा अपना सेल्स ज़्यादा है ओके सब डोसा मसाला डोसा मैसूर मसाला रहो गूगल में आपका रिव्यू आया है कि आपका स्पेशल उत्तपम ओनियन उत्तपम और मसाला डोसा के लिए फेमस है तो अभी मैं वही ट्राई करने वाला हूँ और आपको बताऊंगा कैसा है उसका रिव्यू तो फिर अभी मैंने ऑर्डर किया है मसाला डोसा और अनियन उत्तप्पा उसके साथ है सांबारा और उसके साथ मिली है टोमेटो की चटनी और वहाँ पे मिली है ऑथेंटिक उनकी ग्रेवी और यहाँ पे है कोकोनट की चटनी और मसाला डोसा के अंदर आप देख सकते हैं ये पूरा मसाला डोसा के अंदर टमाटो की सब्जी जो कि दिखने में बहुत लाजवाब है उसको आइए हम ट्राई करते हैं पहले मसाला डोसा से ट्राई करते हैं मसाला डोसा का ये जो है ये लिया नीली सब्जी सब्जी के साथ हमने ट्राई किया पहले कोकोनट चटनी पूरी तरह से ये ऑथेंटिक साउथ फूड लग रहा है क्योंकि ये अपना मुंबई में नहीं मिलेगा नासिक में नहीं मिलेगा सिर्फ पुणे में मिलेगा क्योंकि ऐसी टेस्ट मैंने अभी तक जब प्रॉपर साउथ रेस्टोरेंट रहते वहाँ पर ही मिलेगी ये पुणे में सबसे बेस्ट है और अभी हम ट्राई करेंगे अनियन उत्तप्पा
अनियन उत्तपम के ऊपर देखेंगे तो पूरे रोस्टेड अनियंस डाले हुए हैं, यहाँ पे ऊपर धनिया अच्छे से डाला हुआ है। और आइए हम उससे भी ट्राई करते हैं। तो ये लीजिए, लिया बाइट, और हम ट्राई करेंगे सांभर के साथ। तो ये जो है सांभर के साथ ये इनकी जो ऑथेंटिक चटनी थी, सॉरी मैं सांभर बोल गया, नीचे देखें इनकी ये जो ऑथेंटिक चटनी थी बेस्ट थी। अभी उसके मुंह में सीधा फ्लेवर आ गया, मुझे शायद लगा ये सांभर है लेकिन सांभर नहीं, तो ये ऑथेंटिक चटनी थी। आप देख सकते हैं जेन्युइन, मुझे बहुत अच्छा लगा। यन्ना डोसा इज द बेस्ट फॉर साउथ फूड, आप ज़रूर ट्राई करना और कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। हमारे साथ अभी वेंकेस कैफ़े के ओनर हैं, जो कि हमें बताएंगे कि कब से है वेंकेस कैफ़े और इसकी स्पेशलिटी क्या है, क्यों इतना फेमस है पुणे सिटी में। 1933 को ओपन हुआ है, बहुत सारे डिशेस है, अलग अलग चिकन में, मटन में, वेज, अलग अलग डिशेस, बहुत सारे डिशेस फेमस है सर। अगर आप ब्रेकफास्ट के लिए आते हो तो सुबह आपको गर्म गर्म चाय मिलेगी, ईरानी चाय, उसके साथ बन मस्का है, बन बटर जाम है। थोड़ा सा मील हेवी करना चाहते हो तो कीमा मिलेगा आपको, मटन कीमा, चिकन कीमा है। तो मतलब चाय और बन मस्का के लिए फेमस क्यों है, उसकी मतलब स्पेशलिटी क्या आपके यहाँ की, मतलब क्यों फेमस क्यों है वो? ये ईरानी चाय है। ईरानी चाय है, नॉर्मल चाय नहीं है? ईरानी चाय। ओके, ईरानी चाय। जब से शुरुआत हुई है तब से वही क्वालिटी है, आज तक मेंटेन है। ओके ओके, तो ये कब से? 1933। ऑलमोस्ट कितने साल हो गए, मतलब 89 इयर्स तो 89 इयर्स ओल्ड पुराना ये कैफे है। और जेन्युइनली मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने अभी इनकी ईरानी चाय और बन मस्का आउट ट्राई किया है और मुझे बहुत लाजवाब लगा। फ्रेंड बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और मुझे रिकमेंडेशन भी कर सकते हो कि आप बेस्ट फूड कहाँ मिलता है, कौन सी सिटी में मिलता है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बस आज के लिए इतना ही, और लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।